तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये वो चीज़ है जो आपके सफ़ेद बालों को जड़ से काला कर देगी। और ये चीज़ अगर आप डालते हैं तो 100% इससे रंग आता है। काले कत्थे की भी ज़रूरत इस पैक में आपको नहीं पड़ती है। ये सभी के घरों में अवेलेबल होता है, सभी के पास होता है, लेकिन आप लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं पता है। ये जो चीज़ है आपके बालों को जड़ से काला कर देगी, हमेशा के लिए काला कर देगी। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बालों में एक बार में ही रंग आएगा। तो देखिएगा फ्रेंड, सबसे पहले जो मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ आयरन की कढ़ाई ली है, उसके बाद मैंने लिया है कत्था पाउडर। और कत्था पाउडर मैं यहाँ पे लूँगी 1/2 टेबल स्पून। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हैं तो आप 1 चम्मच तक कत्था पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको कत्था पाउडर ले लेना है। आप इसमें जो है, अगर बाल बहुत ज़्यादा नीड है कि आपको बहुत ज़्यादा लेना है, तो 3 से 4 चम्मच भी आप कत्था पाउडर का ले सकते हैं। ये आपका नेचुरल तरीके से आपके बालों को काला कर देगा। अब देखिएगा, इसके बाद मैं जो लेने वाली हूँ वो है कॉफ़ी। कॉफ़ी जो है आपके बालों को नेचुरल तरीके से काला करती है। आप देखिएगा मेरे पास ये कॉफ़ी का पाउच है और ये कॉफ़ी बिल्कुल जम चुकी है, इसी का इस्तेमाल करना है। जमी भी कॉफ़ी है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि बालों को बहुत तेज़ी से जमी भी कॉफ़ी जो है काला कर देती है। इस तरीके की ये कॉफ़ी बन चुकी है, आप देख रहे हैं। तो अब इसमें से थोड़ा सा पीस अमाउंट में ले लीजिए। तो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने जो लिया है वो ली है ये, और इतना सा टुकड़ा मैं ले लूँगी, ये देखिएगा फ्रेंड्स। और अब जो है, अब मैं इसमें एक चीज़ और डालूंगी, वो है अखरोट की छाल। अब देखिएगा, अखरोट जो है हमारे बालों को काला करता है, घना बनाता है, मजबूत बनाता है, ऐसे इसकी छाल भी हमारे बालों को काला करती है। आपने अखरोट का खाने में तो यूज़ सुना होगा, और अखरोट का पाउडर जो है आप रोस्ट भी करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लूँगी 1 टेबल स्पून अखरोट का पाउडर, इस तरीके से। ये देखिएगा, अखरोट का मैंने पाउडर ले लिया है। ये आपको जो है लोकल मार्केट में मिल जाएगा अखरोट का पाउडर, नहीं तो ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं। अब देखिएगा, गैस का फ्लेम बंद है, क्योंकि अभी हम इसमें इंग्रेडिएंट ही ऐड कर रहे हैं। इसके बाद जो मैं ऐड करने वाली हूँ वो देखिएगा, वो है नीम पाउडर। अब नीम, जैसे कि अब गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में नीम से हमारे बाल जो है साफ़ सुथरे रहते हैं, स्कैल्प में बाल झड़ने की जितनी परेशानी होती है, प्रॉब्लम होती है, सारी दूर हो जाती है। तो 1 चम्मच आपको ये पाउडर ले लेना है। अब आपको गैस का फ्लेम ऑन कर लेना है, इतना रोस्ट करना है कि ये थोड़ा सा ब्लैक फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो जाए। इस तरीके से आप इसे जो है जल्दी जल्दी रोस्ट कीजिए। फ्रेंड्स, इससे आपके बाल काले तो बनेंगे, साथ ही आपके बालों में टूटने की समस्या, देखिएगा स्कैल्प से हमारे बाल जो है सफ़ेद होना स्टार्ट होते हैं। अगर आप कोई केमिकल का इस्तेमाल करते हैं या डाई का, बाजार की केमिकल वगैरह यूज़ करते हैं, तो नीचे से ऊपर तक आपके बाल जो है सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि आपके स्कैल्प से ही बाल सफ़ेद हो, नीचे से भी आपके बाल जो है सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाते हैं। केमिकल इतना ज़्यादा हाई होता है जो हमारे बालों को नीचे से भी जो है ब्लैकनेस को ख़त्म कर देता है, डार्कनेस को, पिगमेंट को, क्योंकि ख़त्म कर देता है। कलर कलर बहुत ज़्यादा नुकसान देता है बालों के लिए। तो आप नेचुरल तरीके से अपने बालों को काला बना सकते हैं। अब देखिएगा, ये जो है पूरी तरीके से ब्लैक होना स्टार्ट हो गया है। तो अब मैं थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दूँगी, इतना पानी जितनी आपको, आप जितना चाहें उतना पैक बना सकते हैं। इस तरीके से आप ले लीजिए इसके अंदर पानी, और मैं इसे इतना जो है गरम करूँगी कि ये हाफ रह जाओ। और ध्यान रखिएगा, सिम गैस पे ही आपको सारा प्रोसेस करना है, ज़्यादा तेज़ गैस पे आपको नहीं करना है। देखिएगा, जो ब्राउन कत्था डाला है वो काले कत्थे की नीट के बराबर हो गया है, काले कत्थे के बराबर हो चुका है, क्योंकि काला कत्था जो है ब्लैकिश टोन में आता है, डार्किश ब्राउनिश टाइप का ब्लैक आता है। उसी तरीके का हमने इसमें कॉफ़ी वगैरह डाल रेडी किया है, वो ब्लैकिश टाइप का आपका आएगा, ब्लैक कलर ही आपके बालों में देगा। तो आपको इस तरीके से गर्म कर लेना है। अब देखिएगा, ये जो है ये धीरे धीरे कम होना क्वांटिटी में स्टार्ट हो गया है। ध्यान रखिएगा, आप जो अखरोट का पाउडर लेकर आते हैं उसे पाउडर फॉर्म में ही लीजिएगा, और इसकी छाल आपको लेकर नहीं पीसनी घर पर लाकर, पाउडर ही आप इसका इस्तेमाल करें तो अच्छा रहेगा। अगर आप छाल लाते हैं तो फिर पानी उसका अलग से रेडी करना पड़ेगा, फिर आपको छान कर उस पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ मैं सभी पाउडरों का मैंने इस्तेमाल किया है, तो आपके बालों को ये नेचुरल तरीके से काला करेगा। और जितने भी पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ मैं आपको दिखा देती हूँ, हर्ब टॉनिक के हैं मेरे पास। ये देखिएगा फ्रेंड्स, सब चीज़ें जो भी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो हर्ब टॉनिक के हैं मेरे पास, तो आप देख लीजिए। और इसका बाय लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इस तरीके से आप अच्छे से इसे मिक्स करते जाइए। अब देखिएगा फ्रेंड्स, अब थोड़ी सी क्वान्टिटी इसकी कम रह जाएगी घटकर, तो हम इसमें एक पाउडर और ऐड करेंगे जो आपके बालों में 100% रंग देने का काम करेगा। क्योंकि अगर प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर है तो आप इसे इस तरीके से भी लगा सकते हैं, सादा ही, जैसे मैंने आपको दिखाया। अगर आपके वाइट हेयर है, वाइट हेयर को कवर करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आपको डालनी होगी इसमें कलर लेस हीना। देखिएगा, लेस हीना,
तो आप ले सकते हैं कलरलेस हीना, और ये जो है बालों को नेचुरल तरीके से काला करती है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये पूरी तरीके से ब्लैक हो गया है। तो मैं करती हूँ पहले गैस का फ्लेम बंद, और आप देख लीजिए क्वांटिटी कितनी कम इसकी रह चुकी है। ये देखिएगा फ्रेंड्स, और कितना ज़्यादा डीप कलर इसका आया है। अब थोड़ा सा ठंडा होने देंगे तो हम इसमें हीना ऐड करेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, मैं डालती हूँ इसमें कलरलेस हीना, इतना इतना आपको ज़रूरत हो आप उतना ही हीना इसमें ऐड कर सकते हैं अपने बालों के अकॉर्डिंग। इसे मिक्स कर दीजिए, और देखिएगा ये पैक जो है हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब आपको इसमें आयरन की कढ़ाई में भी इसे छोड़ने की नीड नहीं है, सिर्फ 10 मिनट आपको इसमें रखना है आयरन की कढ़ाई में, और उसके बाद बालों में अप्लाई करते हैं। तो चलेगा एप्लीकेशन में आपको करके दिखाती हूँ किस तरीके से करनी है। ध्यान रखिएगा ज़्यादा गर्म में आपको नहीं डालना ही ना। तो इस तरीके से डालने के बाद चलेगा बालों में एप्लीकेशन हम स्टार्ट करते हैं। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong.